हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक नया जुगाड़ ठेला, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये जुगाड़ ठेला कैसे बन रही है। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, अभी इस जुगाड़ ठेला का चेसिस बना जा रहा है, और साथ में आपने अब आप देख रहे हैं इसमें पीछे टेलक्रॉन और शॉकर को कैसे फिट किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही मेहनत का काम होता है, यहाँ थोड़ी सी भी एक इंच की भी गड़बड़ी को सहन नहीं किया जाता है। यहाँ थोड़ी भी गड़बड़ आपके गाड़ी को पूरा ही नुकसान कर सकता है। दोस्तों, देख रहे हैं कि इसे नट के सहारे से कसा जा रहा है, और अभी आप दोस्तों देख रहे हैं इसमें आगे के फ्रॉक को कैसे लगाया जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, इसे काफ़ी ही बारीकी से वेल्डिंग किया जा रहा है, चारों तरफ से हर तरफ से इसे वेल्डिंग किया जाता है, ताकि कहीं भी थोड़ा सा भी कहीं भी कुछ छूटे ना, और एक छोटी सी मिस्टेक आपकी गाड़ी के बनाने को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। दोस्तों, तो देख रहे हैं आप जुगाड़ ठेला का ये कैसे बनाया जा रहा है। ये जुगाड़ ठेला जो आप देख रहे हैं, ये जुगाड़ ठेला जब बन करके तैयार हो जाएगा तो आप देखिएगा दोस्तों, यह जुगाड़ ठेला 5 टन लोड ढोने के लिए बनाया जा रहा है। ये पीछे टेलक्रॉन देख रहे हैं दोस्तों, वो आपका बेलोरो पिकअप का है। देखिए दोस्तों, साइड से भी इसे अच्छी तरह से वेल्डिंग किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह बने रहिएगा हमारे वीडियो में, आगे और भी जानकारी दिया जाएगा इस जुगाड़ ठेला को कैसे बनाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले मिले। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ काम लगातार किया जा रहा है, और उसे काफ़ी बारीकी से वेल्डिंग किया जा रहा है, लेयर पर लेयर वेल्डिंग चढ़ा करके उसे मजबूत किया जा रहा है। और दोस्तों, ये जुगाड़ ठेला आपको भी अगर ऐसा जुगाड़ ठेला बनवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यह जुगाड़ ठेला जो आप देख रहे हैं अभी बन रहा है, वह 5 टन माल ढोने के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और साथ में दोस्तों हमारा पता है गोड्डा झारखंड, जो झारखंड राज्य के बाबा बैजनाथ धाम देवघर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे हमारा दुकान पड़ता है। आप हमारे पास आकर के अपने मन के अनुसार गाड़ी बनवा सकते हैं, अपने मन मुताबिक गाड़ी बनवा सकते हैं। आप जैसा भी गाड़ी को मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, वैसा मॉडिफाइड गाड़ी आपको मिलेगा। दोस्तों, तो अभी आप देख रहे हैं ये इंजन चांगजिन का है, और दोस्तों ये इंजन अब फिट हो चुका है, और इसे अब टेस्ट के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। इसे हर तरफ से फिट कर दिया जा चुका है, और अभी एक बार स्टार्ट करके इसे देख लिया जाएगा कि हर जगह का सेंटर सही मिला है ना। जब सेंटर सही मिल जाता है तो दोस्तों इसे फाइनली फिट कर दिया जाता है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं ये जुगाड़ ठेला जिसको स्टार्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं हमारे दो मैकेनिक। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब इसको स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा टाइट बुझा रहा है। और देखिए दोस्तों, ये गाड़ी फर्स्ट टाइम में ही स्टार्ट हो गया। ये दोस्तों, इसका हैंडल जुगाड़ से बनाया गया है, देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा ये हैंडल है, और इसे अंदर से स्टार्ट करने का कहीं भी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो दोस्तों, ये जब बन के फाइनल हो जाएगा तो ये सेल्फ से भी स्टार्ट होगा, बस अभी टेस्ट के लिए दिखाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ देखा जा रहा है कि कहाँ पे कहीं कोई टेपरनेस तो नहीं है, या कहीं कोई पार्ट्स लोहे पे सट तो नहीं रही है ना। सारा चेक एक बार फाइनल हो जाएगा, उसके बाद इसमें आगे की और भी कई काम किए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, देख रहे हैं सारा काम हो रहा है, मैं लगातार वीडियो पे नहीं बन रहा सका क्योंकि मैं थोड़ा बाहर चले गया था। दोस्तों देखिए, इस पे लोहे की बॉडी भी लग चुकी है, और साथ में दोस्तों
अब ये गाड़ी फाइनल हो चुकी है लगभग लगभग, और इसमें अभी कलर का काम किया जा रहा है। ये हमारे पेंटर हैं जो हमारे यहाँ हर एक गाड़ी को पेंट करने का काम करते हैं। दोस्तों देखिए, अब हमारे पिताजी इस गाड़ी को स्टार्ट करके टेस्ट ड्राइव दे रहे हैं। साथ में हमारे कस्टमर भी आ चुके हैं जिन्होंने ये ठेले को ऑर्डर किया था। देखिए दोस्तों, ये गाड़ी चल रही है और काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों मेरे पिताजी के हाथ को कितने आराम से स्टेयरिंग में, कहीं कोई फोर्स नहीं पड़ता है, एक हाथ से ये स्टेयरिंग घूम रही है। दोस्तों ये चैंगजिन का 1100 सेल्फ स्टार्ट इंजन लगा हुआ है, और साथ में दोस्तों देखिए इसमें पिकअप के बड़े टायर्स 16 नंबर के लगे हुए हैं, और टेलक्रॉन भी पिकअप का है लोहा बॉडी के साथ। ये दोस्तों इसमें टाटा 107 का गियर बॉक्स आप देख सक रहे हैं, टाटा 107 का 6 गियर वाला ये गियर बॉक्स है दोस्तों, और पिकअप का ये टेलक्रॉन है। साथ ही में दोस्तों इसमें 60 एम्पियर के पावरफुल एक्साइड की बैटरी लगी हुई है। ये इंजन दोस्तों चांगजिन का ZS 1100 NLD सेल्फ स्टार्ट इंजन है, पूरा पूरी लोहे की से इसकी बनी हुई बॉडी है, और साथ में देख सकते हैं दोस्तों आगे इसमें बम्पर भी दे दिया गया है जो आगे ठुकने से इसके आगे चक्के को प्लस पूरे ठेले को बचाएगी। आप इसी तरह दोस्तों मेरे वीडियो में बने रहें और लगातार नए आने वाले जुगाड़ ठेला की जानकारी लेते रहें। दोस्तों यह ठेला 5 टन लोड ढोएगा, और साथ में यह 25 से लगभग का पर लीटर डीजल पे माइलेज दे देगा। आप दोस्तों देख रहे हैं यह जुगाड़ ठेला जिसे काफ़ी मेहनत से बनाया जाता है। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो पर आने वाले सभी नए अपडेट्स आप सभी को सबसे पहले मिल सके। देख रहे हैं दोस्तों ये जुगाड़ ठेला बहुत ही अच्छी तरह से रोड पे पकड़ के चल रही है, आप इसे आराम से चला सकते हैं और साथ में माल ढो करके अच्छा कमा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।